हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपका इस चैनल पर ECLE के। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर का पास्ट फॉर्म। कल हमने यूज ऑफ देयर का प्रेजेंट फॉर्म कंप्लीट किया था, और साथ ही जो WH वर्ड की सीरीज चल रही, आज थोड़े से वर्ड हैं यूज ऑफ हु के, सो हम वो उसके बारे में भी जानेंगे। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर का पास्ट फॉर्म, जो कि बहुत यूजफुल है। जब आप स्पीकिंग में यूज ऑफ देयर का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। और जो लेटेस्ट वीडियो हैं, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। सो फर्स्टली आज हम WH वर्ड लेते हैं, और आज हालांकि जो वोकैब है एवरीडे, आज वो नहीं ला पाया क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ी लेट शूट कर रहा हूं और मुझे इतना थोड़ा सा टाइम नहीं मिला सर्च करने को वोकैब के लिए मीनिंग। सो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं आपके लिए जो WH वर्ड हैं या क्वेश्चन वर्ड हैं वो तो एटलीस्ट ला ही सकता हूँ, ताकि आप WH वर्ड की सीरीज चलती रहे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं WH वर्ड में, तो हु की यूज ऑफ हु, हम हाउ और वेयर का पढ़ चुके हैं WH वर्ड में। हाउ और वेयर, यूज ऑफ हाउ और यूज ऑफ वेयर के जो बहुत सारे वर्ड थे वो हम पढ़ चुके हैं, और हमने यूज़ करना भी सीखा है कि समय एक के जो हम 6 सेंटेंस बनाते हैं, 6 प्रकार के सेंटेंस, तो उसमें हमने यूज़ करना सीखा है जो। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्टली जो यूज ऑफ देयर में हु, तो हु का मतलब क्या होता है आपको जनरली पता होगा, कौन। हु मतलब कौन, ठीक है, ओके। और अदर मीनिंग अगर हम बात करें तो हु की मीनिंग होती है हु एल्स। हु एल्स मीन्स और कौन, ओके। और थर्ड मीनिंग है हु ऑल, मतलब होता है कौन कौन, ओके। और अदर मीनिंग है जो हु एवर, मतलब जो भी। सो हमारे पास 3 या 4 मीनिंग थी, तो जो हमने मैंने सोचा इसको भी कवर कर लें। छोटी सी क्लास रहेगी आज, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, 20-22 मिनट की, लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी कम रहेगी, और हो सकता है कि आपको वीडियो लेट पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम पर 5:30 बजे वीडियो आप तक पहुँचाने की। सो हु की मीनिंग पता चले कि अगर हम यूज़ की बात करें तो हु मतलब कौन, तो बोल सकते हैं हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो। अगर हम बात करें हु एल्स की, हु ऑल की, तो कौन कौन, मतलब हम जनरली तौर पर बोल सकते हैं अगर किसी का परिचय ले रहे हैं तो बोल सकते हैं तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो कैसे बनाएंगे, हु ऑल इज़ योर फैमिली, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और कौन, व्हाट एल्स, हु एल्स मीन्स होता है और कौन, और कौन है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो और जो अदर मीनिंग है जो क्या है, हु एवर मीन्स होता है जो भी, तो अदर वर्ड में यूज़ होता है। जब हम थोड़े एडवांस लेवल पर अगर जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो हम इनका भी यूज़ करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ ही, यहाँ हम ख़त्म करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लें, ओके, गुड, ओके। सो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, ओके। सो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ देयर के पास्ट की, ओके, किसका, यूज ऑफ देयर का जो पास्ट फॉर्म होता है इसको मुझे रब करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पहचान की अगर हम बात करें, था, थी और थे, ठीक है, पहचान बहुत ज़रूरी है। जैसे कमरे में माँ थी, ओके। एक सेंटेंस याद आ रहा है, जब ये भी इसी से बनेगा, रसोड़े में कौन था, जो ये भी सेंटेंस हम इसी से बना सकते हैं, हु वाल से, ऐसे, ठीक है, ऐसे हु से बना सकते हैं, रसोड़े में कौन था। यूट्यूब पर बहुत ट्रेंडिंग वीडियो है, रसोड़े में कौन था, ओके। कमरे में माँ थी, देश में गरीबी थी, वैसे तो वर्तमान में है,
लेकिन एग्जाम्पल के लिए लेना पड़ेगा, क्लास में शिक्षक थे, शिक्षक थे, ठीक है। और कल का वाला सेंटेंस ले लो, तालाब में मछली थी, ओके। टेबल पर गिलास था, टेबल पर गिलास था। तो हमने पांच मीनिंग ले ली है और हम यूज़ ऑफ देयर में पढ़ेंगे, ओके। एक को ले लो, रसोड़े में राशि थी, रसोड़े में राशि थी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और आज हम यूज ऑफ देयर के हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे पास्ट में। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको, वॉज और वर में, सॉरी वॉज और वर, ओके। वॉज और वर में याद करना, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ। सिंगुलर प्लूरल में कई बार आपको क्लास में क्लियर कर चुका हूँ, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने क्लियर कर चुका हूँ सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो अगर हम डायरेक्ट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। तो कैसे बनाएंगे, देयर प्लस क्या आएगा, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। ऐसे नेगेटिव बना लो, बनाओ भैया, देयर प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटोगेटिव कैसा बनेगा, वॉज वॉज ऑब्लिक वर प्लस देयर, ओके। वॉज ऑब्लिक वर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोर्थ बार बना लो, जिसे हम इंटोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो देयर के बाद नॉट लगता है, आपको पता है, आसानी से आप बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन वर्ड में लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड वॉज ऑब्लिक वर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। क्वेश्चन वर्ड लास्ट वाला वॉज ऑब्लिक वर देयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। सो आई होप स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे बनाने हैं, स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, देयर प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट, ओके। बना सकते हैं, नेगेटिव नॉट यहाँ लगा है, देख लो एक बार, चेक कर लो, रिवाइज कर लो, ओके। सो इसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो आई मेरा अनुरोध है कि आप इसका भी स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना, ओके। गुड, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो सबसे फेमस सेंटेंस हम बनाते हैं जो YouTube का फेमस सेंटेंस रहा कुछ दिनों पहले, रसोड़े में राशि थी, कौन थी रसोड़े में राशि थी, क्या आएगा भैया, देयर वॉज, राशि अकेली थी ना, तो वो और भी था, सीरियल देखता होगा उसको पता होगा, देयर वॉज राशि इन किचन, ओके। बना सकते हैं आसानी से, अब बना, रसोड़े में राशि नहीं थी,
रसोड़े में मतलब किचन में रसोड़े में राशि नहीं थी तो भाई कौन था पता चलेगा। देयर वॉज नॉट राशि इन किचन, क्या रसोड़े में राशि थी, क्या रसोड़े में राशि थी भाई, थी राशि कि नहीं बताओ। वॉज देयर राशि इन किचन, क्या रसोड़े में राशि नहीं थी, क्या रसोड़े में राशि नहीं थी। वॉज देयर नॉट राशि इन किचन, ओके। अब आएगा फेमस सेंटेंस, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, बना सकते हैं ना। हु वॉज देयर इन रसोड़ा, नहीं किचन। हु वॉज देयर इन किचन, रसोड़े में कौन नहीं था, रसोड़े में कौन नहीं था भैया। हु वॉज देयर नॉट इन किचन, ओके। बना सकते हैं या राशि का भी नाम आ सकती थी, आ सकता था रसोड़े में राशि कहाँ थी, तो मैंने राशि को गायब कर दिया आपके फन के लिए, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। रसोड़े में राशि थी, देयर वॉज राशि इन किचन, रसोड़े में राशि नहीं थी, देयर वॉज नॉट राशि इन किचन, क्या रसोड़े में राशि थी, वॉज देयर राशि इन किचन, क्या रसोड़े में राशि नहीं थी, क्या बनाएंगे, वॉज देयर नॉट राशि इन किचन, रसोड़े में कौन था, हु वॉज देयर इन किचन, रसोड़े में कौन नहीं था, हु वॉज देयर नॉट इन किचन, या फिर हम बना सकते हैं रसोड़े में राशि कहाँ थी, वेयर वॉज देयर राशि इन किचन, रसोड़े में राशि कहाँ नहीं थी, वेयर वॉज देयर राशि इन किचन। बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, फन के साथ, ओके। बनाइए भाई, कमरे में माँ थी, देयर वॉज मदर इन रूम, कमरे में माँ नहीं थी, देयर वॉज नॉट मदर इन रूम, क्या कमरे में माँ थी, वॉज देयर मदर इन रूम, क्या कमरे में माँ नहीं थी, वॉज देयर नॉट मदर इन रूम, कमरे में माँ कहाँ थी, वेयर वॉज देयर मदर इन रूम, कमरे में माँ कहाँ नहीं थी, वेयर वॉज देयर नॉट मदर इन रूम, देश में गरीबी थी, क्लास में शिक्षक थे, तालाब में मछली थी, टेबल पर ग्लास था, रसोड़े में राशि थी, बना लिया। तो ये आपको होमवर्क है, आपको टेलीग्राम चैनल पर, ECLE की टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड करना है, आप सेंटेंस बना के उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, ये आपका होमवर्क है। आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि रसोड़े इतने सेंटेंस आपको क्या करना है, बनाना है, उसका हमें ट्रांसलेशन करना है और हमें बोलने का प्रयास करना है, उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। तो ये आज की क्लास थी, आपको यह क्लास कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो चैनल पर न्यू हैं, जिनको वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरा अनुरोध है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास से देखें, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन क्लास से देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और स्पोकन इंग्लिश सीखने में। तो आज की क्लास थी, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।